हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी शार्प डॉट नेट में डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम प्रोग्राम की हेल्प से चेक करेंगे कि हमारे पास जो दिया हुआ गिवन नंबर है वह प्राइम है या नहीं। सो इसको हम आइए आज सी शार्प में कोडिंग की हेल्प से चेक करते हैं कि हमारे पास जो गिवन दिया हुआ नंबर है वह प्राइम है या नहीं। सो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना पड़ता है नेम स्पेस, यानी कि यूजिंग सिस्टम डॉट आई ओ हम लिखते हैं फॉर कंसोल एप्लीकेशंस के लिए। देन नेक्स्ट हम लेते हैं यूजिंग सिस्टम, ठीक। तो ये यहाँ पर हमने नेम स्पेसेस को डिफाइन कर दिया। नेम स्पेसेस को डिफाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नेम स्पेस लेते हैं जिसमें कि हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसको हम डिफाइन करें। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है प्राइम नंबर का, तो यहाँ पर हमने ले लिया प्राइम नंबर, ठीक। प्राइम नंबर यहाँ पर हमने ले लिया। देन अब हम इस नेम स्पेस के अंदर एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रोग्राम, ठीक। अब हमने क्या करना है, अब हम जो वेरिएबल्स लेंगे उसके लिए पहले हमें स्टैटिक मेथड को क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि वॉइड फंक्शन को अपने, जैसे कि हम सी प्रोग्रामिंग में भी फर्स्टली क्या करते थे, अपना एक वॉइड मेन फंक्शन हम क्रिएट करते थे जिसकी हेल्प से हम प्रोग्रामिंग में रिटर्न टाइप वैल्यूज़ को इजीली अचीव कर सकें। देन हमने यहाँ पर लिया स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल होगा हमारा, देन आर्ग्यूमेंट उसके अंदर होंगे। देन अब क्या करना है हमें, सपोज़ हमने यहाँ पर जो हम वेरिएबल चेक करना चाह रहे हैं उस वेरिएबल की वैल्यू हो गई हमारी इंट नंबर इक्वल टू 5, यानी कि हमें चेक करके बताना है कि हमारे पास नंबर की वैल्यू 5 जो है वह प्राइम है या नहीं, ठीक। एक वेरिएबल हम यहाँ और ले लेते हैं जिसका हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा, जो है हमारा इंट काउंट, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पर 0 इनिशियलाइज़ कर दी, ठीक। अब हम करना क्या है, हमें जैसा कि आप फैक्टो प्राइम नंबर में जानते होंगे कि प्राइम नंबर आर दो नंबर विच आर डिवाइडेड बाई इटसेल्फ और 1, बाई डिवाइडेड बाई इटसेल्फ और 1, यानी कि रिमाइंडर तब उसका 0 आना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या लॉजिक ऐसा लगाएं कि जिसकी हेल्प से हमें करेक्ट आंसर मिल जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने फॉर लूप लिया। फॉर लूप में हमने क्या किया, आई एक वेरिएबल लिया, आई की वैल्यू हमने क्या कर दी 1, आई की वैल्यू हमने क्या कर दी 1, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंट आई ले लेंगे क्योंकि, ठीक है, यहाँ पर हमने इंट आई ले लिया। अब इंट आई की वैल्यू हमने क्या ले ली 1। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर हमने 1 लेने के बाद क्या करा, आई की वैल्यू हमारी कब तक चलेगी, नंबर तक। आई की वैल्यू हमारी कब तक चलेगी, नंबर तक, और नंबर तक चलने तक उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक। अब इस फॉर लूप के अंदर हमने क्या करा, एक इफ स्टेटमेंट लिया, देन उसमें हमने चेक करा रहे हैं कि नंबर अगर मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई आई है, नंबर इज मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई आई है और इसका रिमाइंडर 0 आता है, उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो काउंट की वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो काउंट की वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक। देन ये इफ स्टेटमेंट हम यहीं से क्लोज कर देते हैं। देन ये फॉर लूप भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। देन एक और इफ स्टेटमेंट लेते हैं, अगेन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट लेते हैं हम, अगर हमारी काउंट की वैल्यू 2 हो जाती है, अगर हमारी काउंट की वैल्यू 2 हो जाती है तो वो हमें क्या प्रिंट करा देगा, कंसोल डॉट राइट लाइन प्राइम नंबर। अभी हम समझेंगे कि हमारे ये प्राइम नंबर किस तरीके से आया, ठीक। ये स्टेटमेंट हमने यहीं पे क्लोज करा। अब हम लेते हैं
एल्स मतलब जब हमारी काउंट की वैल्यू 2 नहीं आएगी तो उस केस में क्या प्रिंट कराएगा वह, कंसोल डॉट राइट लाइन नॉट प्राइम नंबर। ठीक, ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। देन हम अपने आउटपुट को पॉज करने के लिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक, अब आप देखें यहाँ पर हम जो प्रोग्राम बनाया है उसको एक बार डिस्कस करते हैं कि हमने यहाँ पर प्राइम नंबर के लिए प्रोग्राम बनाया, उसमें हमने एक वेरिएबल लिया नंबर जिसकी वैल्यू हमने 5 असाइन कर दी और एक वेरिएबल लिया काउंट जिसकी वैल्यू हमने 0 असाइन कर दी। ठीक, अब क्या है, ये जो हमारा 5 नंबर है इसको हम 1 से लेकर 5 तक डिवाइड देंगे ईच नंबर से, यानी कि 1 से भी डिवाइड देंगे, 2 से भी डिवाइड देंगे, 3 से भी डिवाइड देंगे, 4 से भी डिवाइड देंगे और 5 से भी डिवाइड देंगे। ठीक, तो उसके लिए हमने यहाँ पर आई वेरिएबल ले लिया। आई वेरिएबल क्या करेगा, 1 by 1 उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहेगा और वह नंबर को डिवाइड देगा। तो सपोज़ करिए जब आई की वैल्यू 1 है, फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू 1 है, तो उस केस में क्या होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी जो हमारी कंडीशन है वह ट्रू हो जाएगी। ठीक, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और आई जो है हमारा लेस देन इक्वल टू है नंबर से, लेस देन इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू। देन आगे बढ़ा, अब क्या हुआ, नंबर डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। देन काउंट की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1, काउंट की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1, काउंट की वैल्यू 1 हो गई क्योंकि काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या हमारी 0, जब उसमें इंक्रीमेंट हो गया तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई। अब क्या हुआ, वो नेक्स्ट पर गया, ठीक है, नेक्स्ट पर आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2, कंडीशन ट्रू ये वाली भी, आई इज़ लेस देन इक्वल टू नंबर, कंडीशन ट्रू। अब आगे हुआ, नंबर यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 2, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा उसका, तो कंडीशन फॉल्स। देन वे इस लूप को इंक्रीमेंट, काउंट हमारा इंक्रीमेंट नहीं होगा, देन वे बाहर आके फिर से यहाँ पर ऊपर अपनी जगह आ जाएगा। देन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू हो गई 3। ठीक, आई की वैल्यू 3 होने के बाद क्या क्या हुआ, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई हमारी। देन आई हम यहाँ पर नंबर को डिवाइड दिया हमने 3 से, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर 0 नहीं आया हमारा। ठीक, उस केस में भी हमारा काउंट में इंक्रीमेंट नहीं होगा। देन दोबारा से ऊपर गए, फिर आई की वैल्यू हो गई 4, 4 का क्या हुआ, हमारा लेस देन है हमारा 5 से, कंडीशन ट्रू। देन 5 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर अब भी हमारा 0 नहीं आया, काउंट की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट नहीं हुई। अब तक हमारी काउंट, अब क्या हुआ, अब हमारी आई की वैल्यू हो गई 5, देन 5 इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। देन 5 डिवाइडेड बाई 5, रिमाइंडर 0 आ गया। तो काउंट की वैल्यू पहले हमारी क्या थी, 1, काउंट की वैल्यू क्या थी हमारी 1, उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2, यानी कि ये कंडीशन यहाँ पर हमारी सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन यहाँ पर हमारी सेटिस्फाई हो गई। ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होने के बाद यहाँ पर हमारा प्रिंट करा देगा वह प्राइम नंबर, यानी कि इस प्रोग्राम का जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा प्राइम नंबर। तो इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ गिवन नंबर है वह प्राइम है या नहीं, वह प्राइम है या नहीं। सो आई होप आज ये वाला प्रोग्राम आज का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो इस प्रोग्राम के बारे में हमने अच्छे से समझा। अब आइए हम एक और नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं कि राइट अ सी शार्प प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, यानी कि हमारे पास जो एक गिवन नंबर होगा उसका फैक्टोरियल हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, यहाँ पर हम नेम स्पेस लेते हैं, यानी कि यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या करा, नेम स्पेस ले लिया, यहाँ पर हमने नेम स्पेस ले लिया, फैक्टोरियल नेम से। ठीक, फैक्टोरियल नेम से ले लिया। देन उसमें हमने एक क्लास ली प्रोग्राम, देन उसमें हमने एक क्लास ले ली प्रोग्राम नाम से। ठीक,
क्लास ले ली हमने, उसमें एक प्रोग्राम नाम से आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब आप देखें यहाँ पर हमने एक void main मेथड लिया, स्टेटिक void main स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट हमारा रिटर्न होगा इसमें, देन आर्ग्यूमेंट ठीक। अब हमने क्या लिया यहाँ पर, इंट में हमने एक वेरिएबल लिया नम, जिसकी वैल्यू को हमने ले लिया 4। इंट पर हमने एक वेरिएबल लिया जिसका हमने जो है वैल्यू इनिशियलाइज करा दी 4। देन हम यहाँ पर एक और वेरिएबल लेंगे जिसमें हम फैक्टोरियल की वैल्यू को स्टोर कराएंगे, उसकी वैल्यू ले ली हमने यहाँ पर 1 ठीक। अब आप देखें यहाँ पर हमने एक फॉर लूप लिया है, उस फॉर लूप में हमने एक वेरिएबल लिया है इंट आई नाम से, जिसकी वैल्यू हमने 1 ली है। देन वो वैल्यू हमारी कब तक चलेगी, जब तक वह नंबर के इक्वल ना हो जाए और उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, और उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा ठीक। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि हम यहाँ पर लॉजिक जो लगा रहे हैं फैक्टोरियल के लिए, वह हम लगा रहे हैं फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई ठीक। और इसमें हम क्या फिर क्या है, हम प्रिंट करा दे रहे हैं कंसोल डॉट राइट लाइन फैक्ट ठीक है। फैक्ट को हमने प्रिंट करा दिया, देन आउटपुट को पोस्ट करने के लिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर, कंसोल डॉट रीड लाइन, देन हमारा प्रोग्राम यहाँ पर हो जाता है फिनिश। अब आइए इसके लॉजिक के बारे में समझते हैं कि हमारा इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या कहता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम बना रहे हैं फैक्टोरियल गिवन नंबर चेक करने के लिए कि उसमें जो हमारा फैक्टोरियल क्या आएगा। अब आप देख रहे होंगे नम की वैल्यू यहाँ पर हमने ले ली 4, देन फैक्ट की वैल्यू हमने यहाँ पर ले ली 1। अब आई की वैल्यू 1 है हमारी ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आप जानते हैं ना कि इसके में जो रिवर्स मल्टीप्लिकेशन होती है 4 × 3 × 2, यानी कि 4 का जो हमारा कायदे में अगर फैक्टोरियल आएगा तो 24 आएगा ठीक। अब क्या होगा, मान लीजिए फैक्ट की वैल्यू हमने इनिशियलाइज ले रखी है 1 ठीक, आई की वैल्यू क्या हमारी 1, यानी कि 1 × 1 1 हो गई हमारी ठीक। अब क्या हुआ, देन आगे बढ़े ठीक है, अब क्या होगा फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1। अब क्या हुआ, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, फैक्ट की वैल्यू क्या है 1 1 × 2 2 हो गई हमारी ठीक है, यानी कि फैक्ट की वैल्यू 2 हो गई। देन आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, 2 है इसकी वैल्यू, यानी कि 2 × 3 6 हो गया, क्योंकि आई की वैल्यू 3 है हमारी ठीक। अब क्या हुआ, फैक्ट की वैल्यू 6 हो गई और आई की वैल्यू 4 हो गई, यानी कि 4 × 6 24 हो गया हमारा, 4 × 6 24 हो गया हमारा। कंडीशन हमारी यहीं पे जो है यहाँ पर ही फिनिश हो जाती है, क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो हमारे नम के इक्वल हो गई ठीक। तो 24 हमारा इसका फैक्टोरियल जो है वो हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, यानी कि इसका फैक्टोरियल आ जाएगा 24। तो आई होप आज के दोनों प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।